अच्छा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की वजह से दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होता होता बची। तो कहानी ऐसी है कि 1959 में फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के लीडर बने, जिनको अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर कास्ट्रो को ये डर था, तो उन्होंने यूएसएसआर से मदद मांगी, जिन्होंने डेटरेंट के तौर पर कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में भेज दी। अब 1962 में अमेरिका को जब ये पता चला उनके कोस्ट से बस 160 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो वहां हाहाकार मच गया। अमेरिका ने क्यूबा पर एक ब्लॉकेड लगा दिया और उनका पूरा प्लान था क्यूबा पर एक फुल स्केल इन्वेजन का। अब इस दौरान काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था और दुनिया काफी करीब थे एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के। अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ नहीं और इस मामले को डिप्लोमेटिकली सुलझा लिया गया और इस पूरे बवाल को कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। खैर, इसके बाद भी ये एस्टिमेट किया जाता है कि अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को लगभग 630 बार मारने की कोशिश करी, जिसमें से एक में उनका प्लान था उनकी सिगार को फटने वाली सिगार से एक्सचेंज करने का। हिंदी फिल्म के हीरो हैं, हमें कोई नहीं मार सकता।